पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार की तरफ से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस खबर की डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर चौधरी तारिक सुबहानी ने तदीद और पुरजोर मजम्मत की है। सोशल मीडिया पर खबर इन अल्फाज के साथ सामने आई कि उस्मान डार से मुस्लिम नून जिला सियालकोट के एक MNA और पंजाब असम्बली के चार मेम्बरान से मुलाकात हुई, जिसमें कौमी व सूबाई असम्बली के मेम्बरान ने आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए कौमी व सूबाई असम्बली की टिकट के लिए शर्त भी रखी। सियालकोट जलसा में इमरान खान की सियालकोट आमद पर PTI में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान भी किया। उस्मान डार ने टिकट की ऑफर ठुकरा दी। उस्मान डार ने इमरान से मुलाकात के एक घंटा बाद ही शमूलियत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से राबता किया। चेयरमैन इमरान खान ने लोटों मुफाद परस्तों और गद्दारों को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। याद है ये मुलाकात पैरिस रोड पर वाकई मुस्लिम लीग नून हाउस में ईद मिलन पार्टी के बाद एक अहम सियासी शख्सियत के घर हुई। PTI रहनुमा उस्मान डार की तरफ से इस खबर की तर्दीद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम नून के डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के सदर चौधरी तारिक सुबहानी ने अलेजा न्यूज से टेलीफोन पर राबता करते हुए बताया कि यह खबर बेबुनियाद है। इस खबर की हमारे सोशल मीडिया टीम मेरे कहने पर तर्दीद और मजम्मत कर चुकी है। वरियु खानदान और पाकिस्तान मुस्लिम नून सियालकोट के कौमी व सूबाई असम्बलियों के मेम्बरान कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के साथ थे और साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की आवाम पाकिस्तान मुस्लिम नून का किला है। ऐसी खबरों के जरिए इंतशार और गलतफहमियां पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं ऐसी खबरों की तर्दीद और पुरजोर मजम्मत करता हूं जिनकी कोई सदाकत नहीं।